जिज्ञासु मित्रों, आज फिर हम आपके समक्ष आध्यात्मिक विषय लेकर, दर्शन शास्त्र का विषय लेकर उपस्थित हुए हैं कि दर्शन क्या है। हमने जानने का प्रयास किया, मीमांसा वेदांत को समझने का प्रयास किया। ये वेदांत वो विषय है दर्शन का जिसका विस्तार सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा वेदांत का ही विस्तार हुआ। और उपनिषद वेदांत का आधार था, उपनिषदों के आधार पर वेदांत की चर्चा हुई। वो द्वैत वेदांत हो, अद्वैत हो, अद्वैत वेदांत की ही मुख्य रूप से चर्चा हुई सर्वप्रथम, और उसके बाद अद्वैत पर टिप्पणी करने हेतु द्वैत की व्याख्या की गई। किस प्रकार से, वो आगे हम व्याख्यानों में श्रवण करेंगे, लेकिन आज हम अद्वैत को और बेहतर तरीके से, पिछले व्याख्यान में आपने अद्वैत दर्शन के ऊपर आपने सुना है आदि गुरु शंकराचार्य ने किस प्रकार से अपने मत को रखा। तो ये जो श्रृंखला थी आदि गुरु शंकराचार्य की, यह योगी गौड़पाद, उनके शिष्य गोविंदपाद और गोविंदपाद के शिष्य हुए आदि गुरु शंकराचार्य, उससे पहले गौड़पाद स्वयं वेद व्यास जी के उसमें थे, तो उस श्रृंखला में होने के कारण उन्होंने ब्रह्मसूत्र और मांडुक्य उपनिषद का आधार बनाकर मांडुक्य कारिका की रचना की। उपनिषदों को के सार को समझाने के लिए ही महर्षि वादरायन ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसलिए वेदांत के जो रचयिता हैं, वेदांत के जो मुखिया हैं, वेदांत के जो प्रथम प्रचारक हैं, वो महर्षि वादरायन, वेद व्यास वादरायन जी को कहा जाता है। उसी श्रृंखला में योगी गौड़पाद हुए, गोविंदपाद हुए और आदि गुरु शंकराचार्य हुए, और आदि गुरु शंकराचार्य ने दशनामी सन्यासी संप्रदाय का उन्होंने उसको उस समय चलाया। उससे पहले इस प्रकार की सन्यास लेने की प्रथाएं कम थी, बौद्ध मत में थी, जैन मत में थी, लेकिन वैदिक मत में नहीं थी, थी भी तो बहुत कम थी। तो मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य कारिका का आधार मांडुक्य उपनिषद है, और मांडुक्य उपनिषद क्या कहता है, मुख्य रूप से अद्वैत को परिभाषित करने के लिए और व्यवहारिक सत्ता। एक बात ध्यान रखें कि अद्वैत को परिभाषित कैसे किया जा रहा है, तो पारमार्थिक सत्ता में किया जा रहा है। अब पारमार्थिक कहने का क्या अर्थ होता है, परमार्थ मतलब परम अर्थ, जो कि सामान्य नहीं है, वो परम अर्थ के लिए या फिर वही सबसे ज्यादा सामान्य है, भिन्नताओं में एकता वही स्थापित करता है। तो उसे ब्रह्म को सर्वव्यापी माना गया, ब्रह्म को निर्गुण गुणातीत भावातीत कहा गया, और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नाप्र, यह महामंत्र था जिसके आधार पर यह ब्रह्म सूत्र से निकला, और ये कि जीव भी ब्रह्म से परे नहीं है, जीव ब्रह्म ही है, यद्यपि वो अलग अलग व्यवहारिक सत्ता में दिखाई देता है। इन तीन सत्ताओं का वर्णन है, तो मुख्य रूप से इन तीन सत्ताओं का वर्णन और इन तीन सत्ताओं के रहस्य को ही मांडुक्य उपनिषद खोलता है और अपनी व्याख्या देता है। तो मांडुक्य उपनिषद क्या हमें बताना चाहता, अगर हम इसको हम समझ लेंगे और बहुत सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति इसको समझे, जाने कि ये यथार्थ कैसे है। बातें तभी महत्व रखती हैं जब वो यथार्थ हो, प्रैक्टिकल हो, और अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है, अगर उनका उपयोग अनुप्रयोग एप्लीकेशन अगर उनका अनुप्रयोग नहीं हो सकता है, तो उन बातों का कोई महत्व नहीं है। क्या करेंगे हम उसको जानकर जब उसका प्रैक्टिकल ना हो। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, स्वामी विवेकानंद जी ने प्रयोगात्मक अध्यात्म की बात की थी, वो अध्यात्मिक जो इसका प्रयोग हो सकता है। तो ये चाहे मीमांसा का दर्शन हो, प्रयोगात्मक है, मीमांसा तो पूर्णतः प्रयोगात्मक है,
हाँ कुछ बातें कुछ दावे लग सकते हैं कि वैसे नहीं है, लेकिन जब हम उसके हम उस पर अनुसंधान करेंगे तो हमें प्रयोगात्मक नजर आएगा। इसलिए जो भी तथ्य है वेदांत से वो भी प्रयोगात्मक, वो कोई कपोल कल्पना ना हो कि हाँ भाई एक ब्रह्म है वो तो निराकार है निर्गुण है, नहीं, कल्पना के आधार पर बातें नहीं कही जा रही। इसलिए पहले निराकार साकार आप वीडियो जो पीछे डाली गई है आप उसे सुनेंगे तो आप उसको पहले तो निराकार आज के समय में जिस तरह से निराकार परमात्मा है और कह दिया जाता है उसमें जो निराकार परमात्मा की व्याख्या हुई है वो अद्वैत के अनुसार हुई है। जो निराकार साकार वीडियो आप पीछे देख सकते हैं। और आज फिर हम मांडुक्य उपनिषद के आधार पर आते हैं किस प्रकार से यहां पर व्याख्या की जा रही है ब्रह्म की, कि ब्रह्म क्या है, किस प्रकार से है, और तीन अवस्थाओं की चर्चा किस प्रकार से की जा रही है। तो जब हम इसको जान लेंगे समझ लेंगे तो निश्चय ही हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान को भी स्वीकार किया, देवी देवताओं को भी स्वीकार किया और ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म को भी स्वीकार किया। अब लड़ाई समाज में क्या होती है कि भाई जब ब्रह्म निर्गुण है तो फिर देवी देवताओं को मानने की क्या आवश्यकता है, ये देवी देवता तो भाई कल्पना हो गए या कुछ हो गए, लेकिन उसके पीछे कारण दिए गए हैं, मीमांसा उसका कारण बताता है कि कैसे उनका अस्तित्व है और कैसे उनकी उनको उनका सम्मान उनकी पूजा करनी चाहिए। रही बात निराकार निर्गुण ब्रह्म की, उसकी पूजा उजा नहीं होती है। ये उस समय भी जब निराकार साकार की जब वीडियो आई थी व्याख्यान आया था उस समय भी मैंने बताया था और आज भी ये बात कह रहा हूं और ये बात प्रमाणित होता है शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत मत से, उसकी पूजा नहीं होती, ब्रह्म की पूजा नहीं होती, आप ये जान ले। अब ब्रह्म कोई ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी एक देवता है जो सृष्टि के देवता है। ब्रह्म मतलब जो निराकार तत्व है, जो तत्विक जिसका व्याख्या है। तो आज हम मांडुक्य उपनिषद पर हम ये हमारे सामने है ताकि आप समझ सके इसको, इसलिए सामने रखा गया है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये तो आप वही सब बातें बता रहे हो, वही सब बातें है ही संसार में और क्या है, वही सब बातें। आप सतयुग में भी आदमी मुंह से खाता था, कलयुग में भी मुंह से ही खाता है। प्रकृति अपना नियम इतनी आसानी से नहीं बदल देती, कुछ नियम तो सार्वभौमिक है और सर्वदा ही रहेंगे। इसलिए कोई नई बातें नहीं आएगा अध्यात्म के विषय में, कबीर ने कुछ बताया हो या सूरदास ने कुछ बताया हो, कभी नई बातें लेकर नहीं आएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका में उन्होंने एड्रेस किया था तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं नया धर्म लेकर आ गया, मैं जो बातें बता रहा हूं ये ज्यादा विकसित, ये नया है, धर्म है, नया चीज, तो नई चीज आप कुछ भी लाकर नहीं दे सकते, जो पहले से विद्यमान है आप उसी पे कार्य कर सकते हैं या उसी को खोजेंगे। आप शास्त्र पढ़ें या ना पढ़ें, कबीर ने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी उनके शिष्य थे, उन्होंने तो बहुत शास्त्र पढ़े लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने तो नहीं पढ़े थे, लेकिन उनकी बातें शास्त्र सम्मत थी क्योंकि शास्त्र जो लिखे गए वो एक अनुसंधान के तहत लिखे, प्राकृतिक रूप से जो अनुसंधान किए गए उसको आधार बनाकर शास्त्रों को लिखा गया है, रचना की गई, मानव मन और मस्तिष्क के ऊपर, मानव के ऊपर आंतरिक जो अनुसंधान हुए साधना के उसके ऊपर, तो आपको अलग चीजें थोड़ी ना मिल जाएगी। सतयुग में किसी ने मिर्ची खाई तो भी तीखी, कलयुग में खाएगा तो भी तीखी तो रहेगी, बदल थोड़ी ना जाएगी। हाँ एक परिवेश बदलता है, युगों के अंतर जो डिफरेंस है, वास्तव में युगों में जो अंतर है वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, मनोवैज्ञानिक अंतर है। वो जो अंतर है युगों सतयुग के अंदर जो लोग रहते थे उनकी साइकोलॉजी और आज के लोगों की साइकोलॉजी में अंतर है, वो मनो स्थिति में अंतर है, इसलिए युगों को अलग अलग बताया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो चीजें हैं वो तो वैसे ही रहेंगी, हमको आने समझने की आवश्यकता है, हम समझेंगे तो निश्चय ही। तो आइए मांडुक्य उपनिषद पर हम शास्त्र सम्मत, ताकि एक भी प्रत्येक एक अक्षर का हम अर्थ यहाँ पर प्रकट करेंगे आज इस व्याख्यान के माध्यम से, और इसकी प्राथमिकता या प्रमाणिकता किन ग्रंथों में पाई जाती है, अनेक ग्रंथों में पाई जाती है, आप इसको समझ सकते हैं। तो किस आधार पर ये बातें कही जा रही हैं उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आज भी मनुष्य मन को लेकर, मनुष्य की चेतना को लेकर बहुत सारी बातें रहस्यमयी है, बहुत सारी बातें रहस्यमयी है। एक अवस्था का सत्य दूसरी अवस्था में असत्य भी साबित हो सकता है। अब सत्य असत्य कैसे, अवस्थाएं बदल गई तो बदल जाएगा, ठीक है,
पानी उड़ नहीं सकता है, लेकिन उसे गर्म कर दो तो वाष्प बन के वो पानी उड़ भी जाता है, अवस्था बदल गई। तो अवस्थाओं के अनुसार बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है, मांडव्य उपनिषद इसको कहता है और वेदांत का आधार बना, वेदांत के ऊपर जो कार्य हुए उसका आधार ये उपनिषद बना। आदि गुरु शंकराचार्य कहते थे कि अगर आपको उपनिषदों को समझना है और आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हैं कि मात्र एक उपनिषद पढ़ें और उपनिषदों का मोटा मोटी सार मुझे पता चल जाए, तो वो आप मांडव्य उपनिषद पढ़ लो। ओवरऑल जितने भी उपनिषद है घुमा फिराकर वहीं पर पहुंचते हैं। आप मांडव्य उपनिषद सबसे छोटा है, 12 श्लोकों में बहुत गूढ़ है, लेकिन बहुत रहस्य है इसमें। आदमी सोचे कि सीधा कोई थोड़ा बताने वाला हो तो अच्छा होता है, लेकिन जो अनुसंधान कर रहे हैं या फिर अनुसंधान में लगे हुए हैं, लेकिन इसको पहले पढ़कर इस पर कार्य करना थोड़ा सा वो है, इसलिए जानकार, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य के उसमें अगर आप उससे पहले विद्वानों को पढ़ेंगे, आप मीमांसा को पढ़ेंगे, कुमारिल भट्ट को पढ़ेंगे या उससे पढ़ेंगे, तो उनमें उन ग्रंथों में आप पतंजलि को उसमें पढ़ेंगे, उन ग्रंथों में गुरु का महत्व कम है। लेकिन जब आदि गुरु शंकराचार्य जब अपने ऋचाओं को लिखते हैं उसमें वेदांत में गुरु का महत्व तो ज्यादा आता है। पतंजलि के योग शास्त्र में या अन्य शास्त्रों में लोग आज के समय में लोग ये कहते हैं कि भाई गुरु बनाना बहुत जरूरी है, सत्य बात है, लेकिन कई बार इसको बहुत ही आडंबरी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो ये जब होता है तो समाज में विकृति आती है, और समाज में गुरुवाद को लेकर बहुत विकृति है भी, वो हम देख सकते हैं। तो शास्त्रों को समझना, बहुत सारी बातों को लेकर विकृति है, आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, इन सब कई बातों को लेकर भयावह विकृतियां हैं। इसलिए बहुत कुछ स्पष्ट होगा, अभी कुछ मांडव्य उपनिषद के साथ जितना स्पष्ट हो सकता है वो हम कर रहे हैं, और आगे के व्याख्यानों में आपको ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की चर्चा अलग से भी होगी, लेकिन इसमें हम पढ़े कि क्या कहा जाए। सबसे प्रथम श्लोक को हम लेते हैं मांडव्य उपनिषद का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम उपनिषदों के सम्मान के लिए उपनिषदों को पढ़ने का एक तरीका होता है, इसलिए हम उसको शांति पाठ के साथ इसको पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक क्या कहता है? ओम इति एतत् अक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपाव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वं ओंकारम् ओंकार एव च यत् त्रिकालातीतम् अन्यत् तत् अपि ओंकारम्। क्या अर्थ है? ये कह रहा है ओम ऐसा यह एक अक्षर है। अक्षर मतलब जिसकी, क्षर मतलब नष्ट होना, अक्षर मतलब जो नष्ट नहीं होता। यह संपूर्ण जगत उसका ही उपाव्याख्यान है, व्याख्यान नहीं है, उसका उपव्याख्यान है। उप मतलब समझते हैं ना, उप कोई चीज, उप प्रधानमंत्री, वो मुख्य तो नहीं है लेकिन वो है वो, अर्थात ये संपूर्ण जगत जो हम देख रहे हैं व्यवहारिकता में, ये इसका उपव्याख्यान है ना कि व्याख्यान है। इस अंतर को समझिएगा, ये उप है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि इस जगत को देखकर आप ब्रह्म का अंदाजा नहीं लगा सकते। उप प्रधानमंत्री से वो काम नहीं कर सकते जो प्रधानमंत्री कर लेंगे या जो राष्ट्रपति कर लेंगे, ठीक, वो उनके उसमें बनाया गया है, उनके सपोर्ट में एक बना दिया गया है। तो ये एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हो गई है, जैसे कि आप हम किसी चीज को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते तो हमें बाहरी अभिव्यक्ति उसकी नजर आती है, लेकिन गहराई से हमें नहीं पता कि क्या है वो, ठीक। तो जैसे आप चुटकुले सुनते हैं ना कि भाई हम दूर से देखा तो दो अंडे उछल रहे थे, पास जाकर देखा तो दो गंजे उछल रहे थे, तो कुछ इस तरह की बात है कि अर्थात ये संसार जो है इससे हम ब्रह्म का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए उपव्याख्यान है। अर्थात भूतम भवत भविष्यत्, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों में इस ओंकार की सत्ता है। ओंकार यहां पर ब्रह्म को ही कहा जा रहा है, लेकिन ओंकार और ब्रह्म का क्या संबंध है ये स्पष्ट होगा आगे के श्लोकों में।
तो उपव्याख्यान अर्थात उसके नकटतम ही उसकी महिमा उससे प्रकट होती है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता। इन तीनों में ही इस ओंकार की सत्ता है, और इन तीनों से परे त्रिकालातीतम क्या कहा जा रहा है, त्रिकालातीतम अन्यत तत अपि ओंकार एव, त्रिकालातीतम इन तीनों से परे भूत भविष्य और वर्तमान, भूत जो बीत गया, वर्तमान जो है और भविष्य जो आने वाला है, इन तीनों से परे जो है, जो कालातीत है, जो काल से परे जहां काल का अस्तित्व नहीं है, उसमें भी ओंकार है, वो भी ओंकार से अलग नहीं है। संपूर्ण जगत चराचर जागत जगत उसी से व्याप्त है, उसी में रहने वाला है। दूसरा श्लोक क्या कहता है, सर्वम ही एतत् ब्रह्म अयम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सह अयम आत्मा चतुष्पाद, क्या कह रहा है, क्योंकि यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इस जगत में जो कुछ भी है, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, इस सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा भी ब्रह्म है, यह आत्मा भी ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। वह यह आत्मा चतुष्पाद है, चार चरणों वाला है। ये चार चरण क्या है, आगे के श्लोक में कहते हैं, जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भूक वैश्वानर प्रथम पाद। ये जागृत स्थान जो है ये प्रथम पाद है। जागृत स्थान आदि गुरु शंकराचार्य ने तीन सत्ताओं की चर्चा की, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। ये जागृत स्थान व्यवहारिक सत्ता है। जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ, जिसमें बाह्य ज्ञान होता है, आपको स्थूल सृष्टि का ज्ञान होता है, जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत में फैला हुआ है। जागृत अवस्था का ज्ञान बाह्य जगत में, जो कि स्थूल जगत है, जो कि इन इंद्रियों का जगत है, और सात लोक इसके सात अंग है। इस जगत में भी सात लोक हैं, उसके सात अंग हैं, और जो एकोन विंशति मुख, ये 19 मुख वाला है। ये 19 मुख वाला क्या है, इसमें पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, पांच प्राण और चार अंतःकरण इसका आधार है, इसके ज्ञान का जो आधार है, इसके मुख, मुख मतलब जो ग्रहण करता है। तो यह बाह्य जगत का ज्ञान कैसे ग्रहण होता है, 19 माध्यमों से होता है। कौन कौन से 19 माध्यम है, वो पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, पांच प्राण, पांच प्राण मतलब पांच वायु, इसमें हम पांच वायु की चर्चा करते हैं, और फिर चार अंतःकरण, मन बुद्धि चित अहंकार, इन सबको लेकर यह बाह्य जगत प्रकट होता है और हम बाह्य जगत की अनुभूति करते हैं। ये जागृत अवस्था है, ये जागृत अवस्था है। आगे चले, स्वप्न अवस्था, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख प्रविविक्त भुक तेजस द्वितीय पाद। ये द्वितीय पाद है, क्या है, स्वप्न अवस्था। अब हम स्वप्न अवस्था में आ गए, उस समय हमारी मन बुद्धि अहंकार जो है उतनी सटीक नहीं होती, ये प्रतिभासित में चले गए हम, सत्ता है ये, प्रतिभासित सत्ता है। तो स्वप्न अवस्था में अंतःप्रज्ञ, ये अंतःप्रज्ञ है, मतलब ये अंतर प्रज्ञा से इसकी अनुभूति होती है, बाह्य प्रज्ञा से नहीं होती। बाह्य प्रज्ञा जहां पर मन बुद्धि अहंकार कार्य कर रहा हो, सारे प्राण कार्य कर रहे हो, और फिर जो है हमारे नेत्र, सारे कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया सब कार्य कर रही हो बाहर से, तो हम उसका अनुभव करते हैं। अब ये स्वप्न की सत्ता की बात की जा रही है। स्वप्न की सत्ता क्या है, इसे तेजस कहा, इसे प्रकाशवान कहा। क्यों प्रकाशवान कहा, प्रकाशवान इसलिए कहा क्योंकि ये सूक्ष्म जगत की सत्ता है। स्वप्न को समझना होगा, स्वप्न बहुत गहरा विषय है। आज इस व्याख्यान में हम स्वप्न को इतनी गहराई से नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जरूर बता देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। स्वप्न की शक्ति और स्वप्न की दुनिया के बारे में किसी अन्य वीडियो में जब हम सूक्ष्म जगत की बात करेंगे तो वहां बात करेंगे। स्वप्न क्या है, सामान्यतः लोग ये मान लेते हैं कि स्वप्न हम जो काम करते हैं, जो विचार करते हैं, जो चीजें हम दिन भर में देखते हैं, उनका असर हमारे मन पे पड़ता है और रात्रि के समय हम स्वप्न में वही देखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप सपने कितने देखते हैं, आपको बहुत सारे स्वप्न याद ही नहीं रहते, लगता है कि देखते हैं। आदमी 8 घंटे सोया, 6 घंटे सोया, क्या 6 घंटे सोता रहा, नहीं,
सोने का अर्थ क्या है? आप एक अवस्था में चले जाते हैं, आपके लिए एक नई दुनिया खुल जाती है वहां पर, वो स्वप्न की दुनिया है। हाँ, उस दुनिया पर आपका नियंत्रण नहीं है, इसलिए हम सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड भी उसको कहते हैं, सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। अवचेतन की बातें हम वहां पर करते हैं। अब ये अवचेतन का जो विज्ञान है, आजकल कुछ लोगों ने अवचेतन की बहुत चर्चा आप यूट्यूब पे देखें, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करिए, अपने अवचेतन मन को ताकतवर बनाइए, बहुत तरह की बातें। अभी अवचेतन मन का अभी सही से नहीं समझ में आया और उसे ताकतवर बनाने की बातें चल रही। चलो एक अच्छी बात है, शुरुआत तो हो रही है, एक शुरुआत तो हो रही है कम से कम, लेकिन अवचेतन की जो दुनिया है वो सूक्ष्म दुनिया है और वो बहुत बड़ी है। इस जागृत दुनिया से वो ज्यादा बड़ी है और ज्यादा ताकतवर है। ये बात तो बिल्कुल सही कहते हैं लोग कि अवचेतन मन 300-300 टाइम्स मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। लेकिन क्यों पावरफुल है? अगर वो 6 घंटे के लिए हमारे जीवन में है तो पावरफुल कैसे है? या कार्य तो वो हमेशा कर रहा है, लेकिन वो एक सूक्ष्म जगत है। हम उस अवचेतन मन के प्रति जागृत नहीं है, हम कॉन्शियस नहीं है, इसलिए पावरफुल सब कॉन्शियस को नहीं, कॉन्शियस को बनाना है। जब आपका कॉन्शियस माइंड पावरफुल होगा तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे उसको प्रोग्राम करना सीखेंगे। ये तो चलो मन की बात हो गई, लेकिन हम यहां अवस्थाओं की, यहां पर जब स्वप्न अवस्था की बात की जा रही है, स्वप्न अवस्था नो अंतः प्रज्ञ सप्तांग 29 मुखा, ये 19 मुख ये भी जो है इसमें ये भी सूक्ष्म जगत का भोक्ता है। जो 29 मुखा 29 मुखा अर्थात 19 मुख से ही इसका भोग होता है। इसका भी यहां भी आपको हमारे जो अवचेतन की अवस्था में भी भोग तो हो रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये सूक्ष्म जगत बहुत गहरा विषय है और इसमें बहुत बड़ी रचना है। जब हम इस पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो हम अपने अंदर बहुत बड़ी शक्ति का विकास कर लेते हैं। सूक्ष्म जगत के माध्यम से आप कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं, कोई कितना भी। तो यहां पर जो स्वप्नावस्था की बात हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि स्वप्न अस्था नो अंतः प्रज्ञ सप्तांग 29 मुख प्रविक्त भुक तेजसो द्वितीय पाद, यह तेजस का द्वितीय पाद है। तो यह सूक्ष्म अवस्था की बात की जा रही है, सूक्ष्म अवस्था भी ना कहें, सूक्ष्म लोक की बात की जा रही है, जो कि हिरण्य गर्भ सृष्टि है। ब्रह्म के 3 रूप बताए जाते हैं, ईश्वर, हिरण्य गर्भ और वैश्वानर। तो प्रथम अवस्था में हमने जो सुना वैश्वानर की, वैश्वानर प्रथम पाद, प्रथम अवस्था में कहा गया वैश्वानर जो है वो प्रथम पाद है। और वैश्वानर क्या है? वैश्वानर विस्तार है, ब्रह्म का विस्तार है। जागृत अवस्था में जो स्थूल सृष्टि, जागृत अवस्था में जो हम विस्तार देखते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड का, यह ब्रह्म ही तो है। और यह जो विस्तार है उसे वैश्वानर कहा गया, लेकिन यह जो वैश्वानर आया वो हिरण्य गर्भ से आया। हिरण्य गर्भ भी ईश्वर का एक रूप है, ब्रह्म का एक रूप है। तो वो किस प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है, ईश्वर कुछ दूसरे संदर्भ में ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है, भगवान शब्द का प्रयोग होता है। ईश्वर और भगवान में भी कुछ अंतर है जिसे हम समझने का प्रयास आने वाले व्याख्यानों में करेंगे, लेकिन अभी जो ये मांडुक्य उपनिषद का श्लोक है, चतुर्थ श्लोक, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग 29 मुख प्रविविक्त भुग तेजसो द्वितीय पाद, ये द्वितीय पाद है सूक्ष्म जगत। तो स्वप्न का जगत सूक्ष्म जगत है। जिस समय हम स्वप्न अवस्था में होते हैं उस समय हम सूक्ष्म लोक में होते हैं। सूक्ष्म जगत बहुत ही विशाल है, स्थूल जगत से भी विशाल है, जागृत जगत से भी विशाल है, और निश्चय ही यह शक्तिशाली है। जिसको हम सबकॉन्शियस वर्ल्ड कहते हैं वो सबकॉन्शियस वर्ल्ड में ही आएगा, और उसमें भी जीव है। हम उन जीवों से जुड़ जाते हैं जब हम स्वप्न की अवस्था में होते हैं। तो ये सूक्ष्म जगत, इसका भी निर्माण होता है, इसका निर्माण हुआ और ब्रह्म की ये ब्रह्म की अवस्था है। तो कुछ लोग कई बार ये कहते हैं कि सूक्ष्म जगत में स्वप्नावस्था में हमें ज्ञान तो होता नहीं, ज्ञान तो जागृत अवस्था में होता है। तो यह इस प्रकार भी नहीं है, उस समय भी ज्ञान होता है।
आप स्वप्न देख रहे हो तो आपको अनुभूतियां हो रही हैं, और जब अनुभूतियां हो रही हैं तो निश्चय ही आपको ज्ञान भी हो रहा है, कुछ ना कुछ आप जान रहे हैं, कुछ ना कुछ आप समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं। और वो स्वप्न भी स्वप्न है, ये कब पता चलता है? जब वो टूट जाता है, जब आपकी नींद आंखें खुलती हैं, नींद खुलती है, आप नींद से उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने सपना देखा। लेकिन जिस समय आप स्वप्न देख रहे होते हैं उस समय वह आपके लिए सत्य होता है, वह आपके लिए सत्य होता है। तो अगर कोई सूक्ष्म जगत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले तो वह बहुत ही बड़े बड़े कार्य कर सकता है, उसके लिए बहुत ही कुछ करना, क्योंकि ये जितने भी स्थूल जगत है ये सूक्ष्म जगत की अभिव्यक्ति मात्र है। उस पर अगर नियंत्रण कर ले, उस पर उसका ज्ञान प्राप्त कर ले, उसकी समझ उसको अगर हो जाए, साधना का अभ्यास के द्वारा ये सब संभव है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। तो वो जो सूक्ष्म जगत है, योगी जब अंतर्मुखी होते हैं तो सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, तो क्या सपने में रहते हैं? प्रश्न ये भी उठता है, पर क्या स्वप्न में रहते हैं? स्वप्न में नहीं, स्वप्न तो उस अवस्था को कहते हैं जब आप सो जाते हो और निद्रा की अवस्था में आप वहां पर सजग नहीं रहते, सचेत नहीं रहते। इसलिए वेदांत का जो साधना का जो मार्ग है वो ये हमें सिखाता है कि सचेत रहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा हमेशा सचेत रहिए, बुद्ध ने भी कहा कि सचेत अवस्था में रहो। इसलिए कई बार लोग आदि गुरु शंकराचार्य को बुद्ध से मिलता जुलता हुआ मत भी मानते थे, यद्यपि नहीं है, क्योंकि बुद्ध के मत का इतना विस्तार नहीं है जितना कि वेदांत का है। इतनी ये तीन अवस्थाओं का वर्णन, प्रतिभाषित सत्ता, व्यवहारिक सत्ता या परमार्थिक सत्ता का वर्णन, वहां पर भी विस्तार कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें गहराई से जितनी स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास, एक है कि उस तथ्य को कहना और एक है कि उस तथ्य को समझा देना, समझाने का प्रयास करना, उस पर तर्क वितर्क शास्त्रार्थ वेदांत को लेकर बहुत ज्यादा हुआ। तो बौद्ध मत में भी इन अवस्थाओं की चर्चा है, वहां पर भी इन तथ्यों की चर्चा होती है। तो सचेत रहो, इस जागृत अवस्था में भी सचेत रहो, स्वप्न में भी सचेत रहो, निद्रा में भी सचेत रहो। आप सचेत हो जाए, सचेत होकर जीवन जीना सीखे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ओशो प्रवचन सुनते हो तो उसमें भी इस तरह की बातें की जाती हैं और भी कई। तो सचेत होना तात्पर्य स्वप्न के प्रति भी सचेत हो जाओगे तो स्वप्न पर जान जाओगे कि स्वप्न क्या है, समझ जाओगे कि स्वप्न की दुनिया क्या है। वास्तव में उस समय हम स्वप्न में जब होते हैं तो हम सूक्ष्म लोक में होते हैं, सच्चाई ये, हम सूक्ष्म लोक में होते हैं, सूक्ष्म जगत में होते हैं। इसको हम अन्य ग्रंथों से भी अभी हम प्रमाणित करेंगे कि कैसे ये चीज है। इसको बहुत स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में समझाया। पहले मांडुक्य उपनिषद के श्लोक देख लें, उसके बाद हम उसको समझेंगे। तो ब्रह्म का एक अवस्था, एक स्वप्न अवस्था भी है जो कि द्वितीय पाद है, वो तेजस का पाद है, ज्योतिर्मय है अर्थात प्रकाशमय है। यत्र सुप्तो न कश्चन कामम कामयति न कश्चन स्वप्नम प्रश्यति पश्यति तत् सुषुप्तम। तो वो सुषुप्तम है, सुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एवानंदमयो यत्र सुप्तो, सुप्ता कंचन कामम कामयते कंचन स्वप्नम पश्यति सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव हि चेतो मुखो आनंद भुक प्राज्ञ तृतीय पाद। यह तृतीय पाद है, तीसरा पाद है, और तृतीय पाद तीसरा पाद को क्या कहा जा रहा है? सुषुप्ति अवस्था, जहां पर कुछ भी अनुभूति नहीं होती लेकिन वहां पर भी चेतना है। थॉट ऑफ नथिंगनेस, पतंजलि योग सूत्र में इस अवस्था को कहा गया है थॉट ऑफ नथिंगनेस। इस तीनों की वर्णन आपको पतंजलि में मिल जाएगा, पतंजलि योग शास्त्र में भी मिलेगा क्योंकि योग का विषय है। तो सुषुप्ति अवस्था क्या है, उसको भी प्रकाशमय मुख कहा गया, वो भी ब्रह्म का प्रकाशमय मुख है। तो हम स्वयं ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही अलग अलग अवस्थाओं में अपना विस्तार करता है। तो जागृत अवस्था में ये सृष्टि है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म लोक है, और फिर निद्रा अवस्था सुषुप्ति अवस्था है, जहां पर ना तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म का अंत है, सूक्ष्म का प्रलय है,
वास्तव में ये संपूर्ण सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि जो है सुसुप्ति अवस्था उसका प्रलय है। इस अब ये जो व्याख्या है कि मैं कह रहा हूं उसका प्रलय है, अर्थात इन लय हो जाते हैं, जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था ये दोनों उसमें जाकर लय हो जाते हैं। स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था दोनों सुसुप्ति अवस्था में जाकर लय हो जाते हैं, उनका वहां पर वो हो जाता है, अंत हो जाता है। और वह आनंदमय अवस्था भी है, ये भी कहा गया आनंदमय अवस्था भी है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में हम जाए कैसे, क्या हम रहते हैं सुषुप्ति के अंदर, कभी जाते हैं? जब सोते हैं तो वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार डीप स्लीप में आदमी बस 20 मिनट के लिए मुश्किल से जाता है, 20 से 40 मिनट, तो बाकी 6 घंटे क्या करता है, वो सूक्ष्म लोक में रहता है, स्वप्न अवस्था में रहता है। लेकिन उस अवस्था के प्रति वो जागृत नहीं है, उस अवस्था के प्रति, वो स्वप्न अवस्था और सूक्ष्म अवस्था के प्रति वो जागृत, उसके प्रति जागृत होने का मतलब उसके प्रति सचेत नहीं है, क्योंकि जागृत अवस्था का वर्णन तो अलग से हो ही रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज ना करें, उसके प्रति वो सचेत नहीं है। सचेत हो जाए तो बहुत सारा ज्ञान उसको वहां से भी प्राप्त हो सकता है, वो जान सकता है। ये प्रलय अवस्था, इसे जगत की, सूक्ष्म जगत की और स्थूल जगत की प्रलय अवस्था भी कहा गया है। अब क्या कहा जा रहा है, एश सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ एशो अंतर्यामेश योनि सर्वस्य प्रभाव पेयो ही भूतानाम। ध्यान से समझिए, एस यह सर्वेश्वर जो सबका ईश्वर है, एश यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, एश यह अंतर्यामी सबका अंतर्यामी है, एश यह सर्वस्य संपूर्ण जगत का, योनि यह कारण जो कि कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों का प्रभाव जो है, समस्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। ये चतुष्पाद है। अब चतुष्पाद जब हम सोचते हैं, कुछ लोग जब एक विद्वान मुझे मिले, ऐसे तो काफी गीता का अध्ययन करते थे, लेकिन अब वो जब बात इस पर चली चतुष्पाद के ऊपर, चतुष्पाद पर तो पहले जागृत है, फिर निद्रा है, फिर सुसुप्ति है, और फिर जाकर चतुष्पाद है, चौथी अवस्था है, यहां पर चौथी अवस्था का वर्णन। लेकिन ध्यान से समझे कहा क्या जा रहा है, ये मांडक्य उपनिषद का छठा श्लोक है, आधा मांडक्य उपनिषद यहां खत्म होता है। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी एष सर्वस्य योनि ही भूतानाम प्रभवाप्ययो। क्या है एश, यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान है। यह जो चौथा पाद है, यह जो तुरिया है, तुरिया अर्थात जो तीनों से परे है, ये चौथा होकर, ये चौथा ऐसा नहीं है कि चौथा है, ये एक बेस है, एक आधार है, यह एक आधार है जिसपे सारी घटनाएं घट रही हैं। अर्थात इस आधार पर जागृत भी है, जागृत स्थिति प्रलय और उत्पत्ति, उत्पत्ति की घटना जागृति में है, स्थिति की घटना सूक्ष्म में है, और प्रलय इन दोनों का खत्म हो गया तो प्रलय हो गया। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये कहां पर घटित हो रही है, तो ये चौथी अवस्था में घटित हो रही है। चौथी अवस्था इन तीनों से अलग नहीं है, और ना ये तीनों चौथी अवस्था से अलग है, इसलिए पहले कहा गया ना भूत वर्तमान और भविष्य, उन सब में ओंकार व्याप्त है, और इन तीनों के परे जो कालातीत है, कालातीतम जो कालातीत है उनमें भी है, तो वो चौथा वो ब्रह्म है। इस ब्रह्म के अंदर जैसे समुद्र है, लहरें उठ रही हैं, आप समुद्रों के किनारे अगर घूमे तो कई जगहों पर लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, कई जगहों पर लहरें बहुत मध्यम धीरे धीरे उठती हैं। समुद्र के कुछ ऐसे भी किनारे हैं विश्व के अंदर जहां पर लहरें नहीं भी उठती हैं, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में समुद्र तो है, समुद्र ही आधार है, लहरों का आधार समुद्र है, तो इस जागृत अवस्था में बहुत कुछ हो रहा है, वो भी ब्रह्म में हो रहा है, ब्रह्म ही उसका आधार है, ब्रह्म से ही हो रहा है, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म अवस्था में जो कुछ भी हो रहा है वो भी ब्रह्म से हो रहा है। निद्रा सुसुप्ति, सुसुप्ति अवस्था जो है अत्यंत सुसुप्ति अवस्था, जहां पर सब कुछ प्रलय है, जहां ना सूक्ष्म जगत है, ना जागृत अवस्था है, ना स्वप्न अवस्था है,
वहां पर भी वो भी ब्रह्माधार है, उसका भी साक्ष्य ब्रह्म है। तो ब्रह्म सबका साक्षी है, सबका साक्षी है। इसलिए अपने जीवन के प्रति साक्षी भाव लाएं, साक्षी भाव कि हम सबके साक्षी हैं, हम ये नहीं है जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, हम वो नहीं है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा सबका साक्षी है, सारी घटनाओं का साक्षी है। इसलिए ये छठा श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सार रखता है। क्या कहता है? प्रभाव प्रभवा पेयो, अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान ये ब्रह्म स्वयं ही है, उसमें सब कुछ घटित हो रहा है। अगर जागृत अवस्था बन रही है तो ब्रह्म में बन रही है, स्वप्नावस्था बन रही है तो ब्रह्म में बन रही है, और अगर प्रलय की अवस्था बन रही है तो वो भी ब्रह्म में ही बन रही है। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि इसका सत्य। अब हम चलेंगे सातवें श्लोक पर। तो सातवां श्लोक क्या कहता है? नान्तः प्रज्ञा, ये एक सातवां श्लोक जो है मांडुक्य उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहा जाता है। क्या यह कह रहा है? नान्तः प्रज्ञम न बहिष् प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतयम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नते सह आत्मा सह विज्ञेय। जो सातवां श्लोक है ये संपूर्ण सार है मांडुक्य का भी। अगर आप कहोगे कि उपनिषदों में से कौन सा उपनिषद पढ़े जिससे कि वेदांत हमें समझ में आ जाए, हमें ब्रह्म के बारे में समझ में आ जाए, तो वो मांडुक्य उपनिषद है। और उस मांडुक्य उपनिषद में भी अगर आप कहेंगे कि हम पूरा मांडुक्य ना पढ़े, 12-18 श्लोक है, पढ़ने की बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पूरा भी ना पढ़े, हम सिर्फ एक ही पढ़ लें, तो आप ये सातवां श्लोक पढ़ लो, आप ये सातवां श्लोक पढ़ लीजिए। क्या कह रहा? न अंतः प्रज्ञम, जो ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, ये ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है, ब्रह्म की आत्मा जो ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बहिष् प्रज्ञम न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है। उसके लिए अंतर्मुखी होना और बहिर्मुखी होने का कोई विषय नहीं है। ना उभयता प्रज्ञम, ना दोनों ओर ही प्रज्ञा वाला है। हम कहते हैं ना कि हम बाहर की ओर भी जानते हैं, अंदर में भी जानते हैं। ना प्रज्ञान घनम, ना ही वो प्रज्ञान घन है जहां पर प्रज्ञा नहीं ठहरती, जहां ज्ञान नहीं ठहरता, जहां ज्ञानी होने का कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी और ज्ञान की अवस्था तब है जब अज्ञान है। जहां ना ज्ञान है और ना जहां अज्ञान है, यहां कुछ ऐसी बात कही जा रही है, ना ही ज्ञान है वहां और ना ही वहां अज्ञान है। अदृष्टम, जो देखा नहीं गया वो देखा भी नहीं जाता है, भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां दृष्टि काम करेगी वहां भावना काम करेगी, फिर वो भावातीत कहां रह जाएगा? वो तो भावनाओं में उतरना शुरू हो जाएगा, तो वो एक दूसरे जगत का निर्माण हो जाएगा, वो विशुद्ध ब्रह्म नहीं होगा, वो देखा नहीं जाता। अव्यवहार्यम, व्यवहार में भी नहीं लाया जा सकता। और जिसको आप देखेंगे, आपने कहा कि मैंने ज्योति ब्रह्म को देखा है, तो आप जब उसको देख रहे हैं तो आप तो उसे व्यवहार में ला रहे हैं, तो अव्यवहार्यम, व्यवहार में लाया नहीं जा सकता। अग्राह्यम, जो पकड़ने में भी नहीं आ सकता। अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण नहीं है, वो लक्षणहीन है, गुणातीत है, भावातीत है। अचिंतयम, जो चिंतन करने में भी नहीं आ सकता। अव्यपदेशम, जो बतलाने में भी नहीं आ सकता। एकात्म प्रत्यय सारम, एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है, उसका सार ही है आत्मसत्ता की प्रतीति। खुद में खुद को अनुभव होने लगे कि हम वास्तव में हैं क्या। प्रपंचो, हम इस बात का अनुभव करें कि हम जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परे हैं। ये आभास होना, इस तरह का आभास कल्पना में नहीं, वास्तविकता में साधना के द्वारा आभास होना ही आत्म प्रतीति है। प्रपंचो पशमम, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसा शांतम, सर्वथा शांत है, ना उत्पत्ति है, ना स्थिति है और ना ही प्रलय है, तीनों नहीं है वहां पर,
ना उत्पत्ति ना स्थिति प्रलय। अद्वैतम वह अद्वैत है, शिवम अद्वैतम वह मंगलकारी, शिव मतलब मंगलकारी कल्याणमय, वह कल्याणमय अद्वैत है। चतुर्थम वह चौथा पाद है, वह तुरिया है। मन्यते मन्यते आत्मा सविज्ञ, मानते हैं वह आत्मा, वह जानने योग्य है। उस अवस्था का ज्ञान होना आत्मज्ञान है वेदांत के अनुसार, अथवा ब्रह्म ज्ञान है। उस अवस्था का ज्ञान होना ब्रह्म ज्ञान है। अब जो ब्रह्म ज्ञान के नाम पर बहुत सारे लोग जो चिल्लाते हैं ब्रह्म ज्ञान ले लो ब्रह्म ज्ञान ले लो, वो विचार करें कि किस अवस्था को ब्रह्म ज्ञान समझते हैं। तो ऐसी अवस्था का अनुभव होना कि जो कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के परे, और वो साक्षी भाव, वो धरातल है, वो उसके परे नहीं है। उसके परे होकर भी वो सब में वही है। जागृत अवस्था भी उसी ही कारण है, स्वप्न अवस्था का कारण भी वही है, और जैसे गहने का कारण स्वर्ण स्वर्ण है, उसी का फैलाव है, उसी का स्वरूप का फैलाव है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में। तो ये सप्तम श्लोक जो है बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है, लगभग सब कुछ स्पष्ट कर देता है ब्रह्म की स्थिति को। तो ब्रह्म क्या, वहां पर वो ब्रह्म है, और जब वो सूक्ष्म अवस्था में होता है, जब सूक्ष्म सृष्टि होती है, तो वहां पर उसे हिरण्य गर्भ कहा गया, और जब वो जागृत अवस्था में हम इस ब्रह्मांड का जो विस्तार देखते हैं, ये ब्रह्म का ही विस्तार है, तो यह वैश्वानर है, इसको वैश्वानर कहा गया। तो वैश्वानर हिरण्य गर्भ का अंतर भी हमें समझ में आएगा। अब आठवां श्लोक क्या कहता है, सह अयम आत्मा, स्वयं अयम आत्मा अध्यक्षरम अधिमात्रम ओंकारम अकार उकार मकार इति मात्रा पाद च पाद मात्रा। क्या कहा जा रहा है, स अर्थात वह, स अयम आत्मा, यह आत्मा अध्यक्षरम उसके वाचक प्रणों के अधिकार में वर्णित होने के कारण अधिमात्रम तीन मात्राओं से युक्त है, ओंकार अकार और मकार। ये संपूर्ण सृष्टि इसमें बना हुआ है, ओंकार अकार मकार, किस प्रकार से इसको कहा जा रहा है, ये तीन पाद हैं, मात्राएं हैं, ये तीन पाद हैं अर्थात तीन अवस्थाएं, तीन पाद जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के लिए ही कहा गया। अब इसकी आगे व्याख्या होती है, क्या प्रथमा मात्रा अकार आपते व आदिमत्वात जागृत स्थान वैश्वानर यह एवं वेद हवै सर्वान कामान आग्नेति च आदि भवति। अर्थात ये जो प्रथम मात्रा है जागृत स्थानों वैश्वनरो अकार प्रथम मात्रा आपते, प्रथम मात्रा आपते क्या है, प्रथम पहली मात्रा अकार है, अकार ही है। व्याप्त होने के कारण, जागृत अवस्था में व्याप्त होने के कारण और आदि वाला होने के कारण जगत की भांति स्थूल जगत रूप शरीर वाला वैश्वानर नामक पहला पाद है, जागृत अवस्था में जो ब्रह्म का विस्तार है उसी को वैश्वानर कहते हैं, और ये ओम का प्रथम मात्रा अ है, अ ओम बनता है अ उ म, ये तीन मात्राओं से, तो अ उ म, तो अ है ये वैश्वानर अर्थात जागृत अवस्था। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो अ जो है वो जागृत अवस्था है। हम ये अंतर्मुखी होने के लिए भी शब्द का उच्चारण किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं प्रतीकात्मक है, बात सत्य है, ये ओम का उच्चारण प्रतीकात्मक होने के साथ साथ ये अंतर्मुखी होने की विद्या भी है। नाम पहला है यह एवं वेद, जो जानता है इसको, जो यह इस प्रकार से जानता है वह अवश्य ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि बन जाता है, भवती हो जाता है, सबका आदि बन जाता है। तो ये ओम जो है उसमें अ की जो मात्रा है वो वैश्वानर है, वो जागृत अवस्था की ओर संकेत करता है। द्वितीय मात्रा उकार उत्कर्षात वा उभयत्वात स्वप्न स्थान तेजस यह एवं वेद ह वै ज्ञान संततिम उत्कर्षति च समान भवति अस्थ कुले अब्रह्मवीत न भवति। क्या कह रहे हैं आगे, द्वितीय दूसरी मात्रा जो है वो उत्कर्षात उत्कृष्ट होने के कारण और दोनों भाव वाला होने के कारण स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप शरीर वाला तेजस है। दूसरी मात्रा को तेजस, दूसरी स्वप्न अवस्था में जो सूक्ष्म जगत है हम उसके प्रति सचेत नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे लिए वो महत्व उतना ही रखता है, लेकिन स्वप्नों का बहुत महत्व होता है।
तेजस नामक अवस्था है या ऊ है और यह स्वप्नावस्था है, जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है। जागृत अवस्था में जागृत चीजों के प्रति हम ज्ञान है, लेकिन सूक्ष्म जगत के प्रति हमारे पास ज्ञान नहीं है, यह हमारी विडंबना है। उसके प्रति अगर व्यक्ति ज्ञानवान हो जाए, अगर जान जाए, उसको समझ जाए सूक्ष्म जगत क्या होता है, तो वह ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, समान भाव वाला हो जाता है। कई चीजों जागृत अवस्था में हमें कई चीजों से आसक्ति है, जिसके कारण हम लोभ मोह क्रोध काम क्रोध अहंकार का व्यवहार में इसका प्रदर्शन करते हैं, तो वो समभाव आ जाए, ज्ञान बढ़ जाएगा। सूक्ष्म जगत का ज्ञान होने से सबसे पहला ज्ञान तो ये हो जाता है कि मृत्यु के समय स्थूल शरीर ही मरता है, सूक्ष्म जो जीव है वो नहीं मरता है, और वो सूक्ष्म जीवों से संबंध भी स्थापित कर सकता है। हम सूक्ष्म जगत को भी व्यवहार में लाते हैं, लेकिन स्वयं हम इसके प्रति सचेत नहीं रहते, इसलिए हम कहते हैं सपने तो सपने हैं, लेकिन स्वप्न में जब आप होते हैं, जब आप सो जाते हैं, स्वप्न में होते हैं, तो सत्य यह है कि आप सूक्ष्म जगत में होते हैं, एक नए जगत में आप होते हैं, और वहां पर आप नए तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उठते हैं आधा से ज्यादा सपने आप भूल जाते हैं। प्रातः काल जो नजदीक में उठने के पहले जो आप स्वप्न देख रहे होते हैं, मात्र वही आपके स्मरण में रहता है, उसके पहले आप बहुत सारी चीजों को भूल गए होते हैं, भूल जा चुके होते हैं, लेकिन आप एक सूक्ष्म जगत में थे, वो एक दुनिया है, बहुत विशाल दुनिया है, शायद इस जागृत से भी ज्यादा विशाल है। तो समान भाव वाला हो जाएगा अगर उसे सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाए। कितना स्पष्ट बता रहा है, इसलिए सूक्ष्म जगत का ज्ञान बहुत महत्व रखता है। सूक्ष्म जगत का ज्ञान होने से वो समान भाव वाला हो और उसके कुल में हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानने वाला नहीं होता। सब उसके कुल में उसको हिरण्यगर्भ उस परमेश्वर को जानने वाले होते हैं। उसके कुल का महान कैसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, महान होता है, ज्ञानी होता है, जो सूक्ष्म जगत का ज्ञान रखता है, जो तेजस का ज्ञान, जो हिरण्यगर्भ का ज्ञान रहता है, जो हिरण्यगर्भ प्रभु की सृष्टि है। 11वां श्लोक क्या कहता है, तृतीय मात्रा मकार मिते अपिते सुषुप्त स्थान प्राज्ञ यह एवं वेद हवै इदं सर्वं मिनोति आपिति भवतः भवति। क्या कह रहे हैं, तीसरी मात्रा म है, मकार है, मिते माप करने वाला होने के कारण, और अपिते विलीन करने वाला होने के कारण, माप करने वाला होने के कारण, जानने वाला होने के कारण, और विलीन करने वाला होने से सुषुप्ति की भांति कारण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है। प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है, यह प्राज्ञ है, यह भी ज्ञानवान है, जो एवं इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को माप लेता है, अर्थात भली भांति जान लेता है, और सबको अपने में विलीन करने वाला भी हो जाता है। जो इस लोक को जानता है, जो इस लोक को जानता है वह सबको जानने वाला हो जाता है। जानना एक अलग बात है, सुषुप्ति में चले जाना एक अलग बात है, उसका साक्षात्कार करना एक अलग बात है। हम ऐसे सोते हैं, स्वप्न और सुषुप्ति में जाते हैं और वहां से फिर वापस आ जाते हैं। क्या वापस आना संभव है? बिल्कुल संभव है। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या मिलेगी, अभी करेंगे हम इसी व्याख्यान में। तो हम वापस आ जाते हैं, एक तरह से नया जन्म हो गया समझिए हमारा जीव का, लेकिन वो जो अवस्था है उसके प्रति सचेत नहीं होने के कारण, जब ध्यान के माध्यम से, तो फिर प्रश्न उठता है कि ध्यान के माध्यम से और ऐसे सो जाने में क्या अंतर रह गया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति सचेत अवस्था में सूक्ष्म लोक में जाता है, फिर प्रलय लोक में जाता है, अर्थात सुषुप्ति में भी जाता है, और फिर स्वयं की तुरिया का भी अनुभव कर लेता है जब वो साधना और ध्यान का मार्ग अपनाता है, तो वो सचेत होकर सारी क्रियाओं का अनुभव करता है। वैसे हम जाते हैं लेकिन हम उस समय सचेत नहीं रहते हैं। आइए 13वें 12वें और आखिरी जो श्लोक है उस पर हम चिंतन करते हैं। एवं अमात्र ओंकारम अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव अद्वैत चतुर्थ आत्मा एव आत्मना आत्मानं संविशति यह एवं वेद यह एवं वेद। वेद क्या है? वेद मतलब जानना, वेद शब्द का अर्थ ही जानना है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, अमात्र एवं अमात्र ओंकारम,
इसी प्रकार मात्रा रहित प्रणव ही मात्रा रहित, इसमें कोई मात्रा ना हो। पहले तो प्रणव क्या है यह हम किसी अन्य वीडियो में, जब हम एक दर्शन शास्त्र की व्याख्यान खत्म हो जाएंगे, छठ सठ दर्शन हो जाएगा, योग पर हम जब चर्चा करेंगे कि प्रणव का महत्व तो योग में भी आता है, उस समय प्रणव के ऊपर ही एक व्याख्यान पूरा होगा कि प्रणव किसे कहा जाता है। तो ओंकार को ही यहां प्रणव कहा जा रहा है। ओंकार, लेकिन ओंकार के कितने रूप हैं, ये सूक्ष्म जगत में कैसे है, बाह्य जगत में तुमने ओम जो उच्चारण किया, हम इसी को ओंकार समझते हैं, लेकिन इसका संपूर्ण क्या है ये तो यहां पर बताया ही जा रहा है, और भी इसको समझना है, विशेष रूप से प्रणव के ऊपर व्याख्यान दिया जाएगा। इस प्रकार मात्रा रहित प्रणव ही व्यवहार में न आने वाला प्रपंचोपशम, प्रपंच से अतीत शिव कल्याणमय अद्वैत चतुर्था चौथा पाद है आत्मा, अवश्य ही आत्मा के द्वारा परात्पर आत्मा में पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है, जो इस प्रकार जानता है वो वेदों को जानता है, वो वेद का मर्म को जानता है कि आत्मा स्वयं में ही या आत्मा ही जागृत अवस्था में बरतती है, स्वप्नावस्था में बरतती है, सुषुप्ति अवस्था में बरतती है, और स्वयं को इन तीनों से अलग कर जब हम अनुभव करते हैं कि हम इन तीन अवस्थाओं से अलग भी हमारा अस्तित्व विद्यमान है, तो वो ब्रह्म है। वहां पर सर्वव्यापकता, योगी सर्वव्यापकता का अनुभव करता है कि वही सर्वव्यापी है, वो स्वयं के अस्तित्व को कण कण में महसूस करता है, और ऐसा अनुभव करना ही ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा अनुभव करना ही ब्रह्म। तो श्रीमद् भगवत गीता भी वेदांतिक, इसके अंदर अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो इसमें वेदांत भी है, सांख्य भी है, योग भी है। वैसे तो हर दर्शन के श्लोक और जो बातें हैं इसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन सांख्य योग वेदांत मुख्य रूप से इसकी चर्चा करता है। तो वेदांत मुख्य है इसमें, सांख्य योग वेदांत में वेदांत ऊपर है। तो किस प्रकार से इसमें भी वर्णन है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 16वें मंत्र में 8वें अध्याय के, क्या कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्ती नो अर्जुन मामुपित्य तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। क्या भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति हैं, अर्थात तो इनकी पुनरावृत्ति होती है, तो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती वो ब्रह्म लोक है। तो ब्रह्म, पहले तो कहा कि ब्रह्म लोक को छोड़कर सबकी पुनरावृत्ति होती है, इसको समझ, अब ब्रह्म भुवना लोक पुनरावृत्ति नो अर्जुन, पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जागृत अवस्था में जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बार बार जन्म लेना, पुनरावृत्ति हो रही है यहां पर। लेकिन ब्रह्मलोक में पुनरावृत्ति, लेकिन ब्रह्मलोक है क्या, बहुत लोग वैकुंठ है वहां पर कृष्ण जी ऐसे बैठे होंगे, ये होगा 50 तरह, जहां भावनाएं आ गई वहां ब्रह्म नहीं है, बात खत्म। इसलिए भावातीत, हां भावनाओं को एकाग्र करना पड़ता है, वो एक भावनाओं का अलग विज्ञान, हम जब वो एकाग्र होता है तो हमें उस सहायक बनता है, भावनाएं सहायक हो सकती हैं लेकिन भावनाएं ब्रह्म नहीं हो सकती, भावनाएं ईश्वर नहीं हो सकती। तो हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। अभी हमने कालातीत का वर्णन मांडू के उपनिषद में पढ़ा कि भूत वर्तमान और भविष्य इन तीनों से परे भी वो ब्रह्म है, और इन तीनों में भी है, भूत में भी ब्रह्म है, भविष्य में भी ब्रह्म है, वर्तमान में भी ब्रह्म है, वही, क्योंकि ब्रह्म वो मीडियम है, वो माध्यम है जिससे सारी घटनाएं घटित हो रही है। समुद्र का जल वो माध्यम है जिससे लहरों का निर्माण हो रहा है, इसलिए ब्रह्म वो मीडियम है जिसमें सब कुछ, इसलिए मूल तत्व तो है, फंडामेंटल एलिमेंट है, उसमें सब कुछ घटित हो रहा है। तो ब्रह्म है, और हे अर्जुन इसके परे मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं, कालातीतम, और यह सब ब्रह्म आदि लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। और ब्रह्मा आदि लोग, क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि मतलब ब्रह्मा, जो ब्रह्मा यहां पर ब्रह्मा देवता के रूप में है, उपनिषद देवताओं की चर्चा नहीं करते, ध्यान रखिएगा, इसलिए वहां पर ब्रह्मा है इंद्र है इन सब चीजों की बातें नहीं किया जा रही, लेकिन यहां पर देवताओं को श्रीमद् भगवत गीता में देवों को स्वीकृति है। यही बात श्रीमद् भगवत की, यही बात इसे मीमांसा दर्शन से जोड़ देता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा आदि का, लेकिन फिर भी
उसके होने पर भी ब्रह्म को सबसे ऊपर श्रीमद् भगवद गीता कह रही है कि ब्रह्मा आदि लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। यह सूक्ष्म जगत जहां पर स्वप्न हम देखते हैं, जागृत अवस्था जहां पर हम लोग ये सब व्यवहार करते हैं, व्यवहारिक सत्ता जहां पर है, ये सब जो है यहां पर संभव है, ये ब्रह्मा आदि का बनाए हुए, ये अनित्य है। फिर क्या कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्राणाम ते हो रात्र विदो जाना। ब्रह्मा जो एक दिन है उसका 1000 चतुर्युगी युगी तक की अवधि वाला रात्रि भी 1000 चतुर्युगी तक की ही अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। वो काल को भी समझते हैं कि काल किस प्रकार से बदलता है, परिवर्तित होता है, जो ब्रह्म को जानते हैं। तो अव्यक्ता अव्यक्त सर्वा भवन्ते हरागमे रात्र्यागमे प्रलियन्ते तत्र वा अव्यक्त संजके। क्या कह रहे हैं, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होता है। दो अव्यक्त हैं, एक अव्यक्त है ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक, ये जागृत अवस्था में तो कुछ भी अव्यक्त नहीं है, सब कुछ व्यक्त है, और एक ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक है जो कि अव्यक्त है। उसमें हम कब जाते हैं, जब स्वप्न में जाते हैं, जब हम स्वप्न में होते हैं, सोते हैं तो हम स्वप्न में होते हैं, पूरा जितना देर हम सोते हैं सुषुप्ति में तो नहीं रहते ना, स्वप्न लोक में रहते हैं, और फिर हम जागृत अवस्था में आते हैं। तो अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये ब्रह्मा की है, स्वप्न जागृत स्वप्न सुषुप्ति और निद्रा। निद्रा और सुषुप्ति को एक ही समझे, ठीक ना। तो हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र रात्र्यागमे वशः पार्थ भ्रवत्य हरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। कितना स्पष्ट इस श्लोक में यह बात समझा दी गई कि रात्रि के काल में हम जागृत अवस्था से सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म अवस्था में हम स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। स्वप्न और निद्रा की अवस्था को यहां पर एक अवस्था बताई जा रही है, सूक्ष्म लोक कहा जा रहा है, इसे सूक्ष्म कहा जा रहा है, ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक कहा जा रहा है। किसको, स्वप्न, क्यों, क्योंकि स्वप्न में वो सूक्ष्म सृष्टि होती है और वहां पर निद्रा में वो सारे उसमें विलय हो जाते हैं। जागृत भी उसमें विलय हो गया और स्वप्न सूक्ष्म जगत भी उसमें जाकर विलय हो गया, उसका प्रलय वहां पर हो गया। तो यहां पर क्या लिखा जा रहा है, भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, प्रलय हो रहा है वहां पर किसका। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता है। सुबह उठते ही फिर से हम निद्रा से, सुषुप्ति से, हम जागृत, हम स्वप्न से होते हुए फिर जागृत अवस्था में आते, सीधा नहीं आते। कोई भी व्यक्ति सीधा सुषुप्ति से जागृत में नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। वह सुषुप्ति से स्वप्न में आता है, स्वप्न से फिर जागृत अवस्था में आता है। इसलिए जब भी उठना होता है, उठने के पहले आप कुछ ना कुछ स्वप्न देख रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। अब भगवान क्या कहते हैं, अब चौथे पाद की चर्चा करते हैं, वहां पर स्पष्ट है, यहां पर भी अर्जुन को यही बात समझाई जा रही है। परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न नश्यति। कि हे अर्जुन, एक तो ये जागृत अवस्था है जिसमें व्यवहारिक, जहां हम अपने आप को जागना कहते हैं, और एक ब्रह्मा का सूक्ष्म अव्यक्त लोक है, ब्रह्मा का जो कि सूक्ष्म लोक है वो अव्यक्त है, वो स्वप्न और निद्रा में जाकर हमें परिभाषित होता है, इसलिए उसको प्रतिभाषित सत्ता है। जो तीन सत्ताओं का वर्णन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, अब इन तीन सत्ताओं का मर्म भी हमें समझ में आएगा, ये समझ लेंगे हम तो कि किस आधार पर व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता का वर्णन किया गया है, ये हमें समझ में आ जाएगा। तो
जो ब्रह्मा का अव्यक्त है, ब्रह्मा का अव्यक्त क्या है, ब्रह्मा यहां पर देवता है, यहां पर ब्रह्मा और ब्रह्म को एक मत समझिएगा, ठीक है। उपनिषद देवताओं की वर्णन नहीं करते, इसलिए देवताओं का नाम उसमें नहीं लिखा जाता। तो लेकिन यहां श्रीमद् भगवत गीता में यहां पर एक व्यवहारिक चर्चा है, क्योंकि अर्जुन देवी देवताओं को मारने वाला व्यक्ति है, मानने वाला व्यक्ति है, उनमें विश्वास मानता है वो, इसलिए उसको समझाने के लिए उसी के जैसा बनना पड़ता है, बच्चे को समझाने के लिए बच्चे के जैसा बनना पड़ता है। इसलिए योगी ज्ञानी पुरुष एक आम मनुष्य को समझाने के लिए, उनको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए वो वैसे ही शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ब्रह्मा अर्थात सृष्टि करने वाला एक देवता है, यद्यपि वो भी ब्रह्म में ही है, कोई भी ब्रह्म से अलग नहीं है। तो उस अव्यक्त से अति परे, एक तो ये जागृत और उसके पीछे एक दूसरा अव्यक्त जो ब्रह्मा का है, जिसमें सुषुप्ति और निद्रा है। सुषुप्ति में सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म जीव है, बहुत सारे सूक्ष्म चीजें हैं, और वो हिरण्य गर्भ है, और उसी से ये जागृत सृष्टि पैदा हुई है, इसलिए उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। गर्भ मतलब बच्चा जब गर्भ में, मां के गर्भ में है तो प्रकट नहीं होता, गर्भ से बाहर निकलता है तो प्रकट होता है, हमारे हम उसे देख पाते हैं, जान पाते हैं कि क्या है। उसी प्रकार से ब्रह्मा का जो ये सूक्ष्म जगत है उसे हिरण्य गर्भ, प्रभु का हिरण्य गर्भ विस्तार कहा गया उसे, तो वो हिरण्य गर्भ उसको कहा जा रहा है। और वो भी अव्यक्त है, इस समय व्यक्त नहीं है, हम जब सो जाते हैं सूक्ष्म लोक में तो उस समय हमें ये व्यक्त होना स्वप्न के माध्यम से व्यक्त होता है, लेकिन योगी ध्यान के माध्यम से जो योगी पुरुष है, जो योग में लीन होना जानते हैं, योग करना जानते हैं, जिनको योग विद्या प्राप्त है, जिनको पराविद्या प्राप्त है, मुंडक उपनिषद में इसे पराविद्या कहा गया, जिन्हें पराविद्या प्राप्त है, वह उसको ध्यान के द्वारा, साधना ध्यान के द्वारा वो सूक्ष्म लोक में प्रवेश करना जानते हैं, वो वहां भी सचेत रहते हैं, वो सूक्ष्म लोक में प्रवेश करना जानते हैं, वो वहां भी सचेत रहते हैं। तो वो ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक है, वो हिरण्य गर्भ है, और वो अव्यक्त है। किसके संदर्भ में अव्यक्त है? इस जागृत अवस्था, इस व्यवहारिक सत्ता के संबंध में वो अव्यक्त है, इसलिए उसे अव्यक्त भगवान श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन से कहते हैं कि एक ब्रह्मा का अव्यक्त है, और उस ब्रह्मा के अव्यक्त के परे, अर्थात यह जो संसार है ये जागृत है, ये तो व्यक्त है, और ब्रह्मा का अव्यक्त स्वप्न और निद्रा ब्रह्मा का अव्यक्त हुआ, और इनके परे, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वो कालातीत है, वो काल के परे है, भूत भविष्य वर्तमान के परे है, वह कालातीत है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भूतकाल नष्ट हो जाए, वर्तमान भी नष्ट हो गया, उसका भी लय हो गया, उसका भी भूत का भी लय हुआ, वर्तमान का भी लय हुआ, भविष्य का भी लय हुआ, जागृत भी लय हुआ, स्वप्न भी लय हुआ, सुषुप्ति भी लय हुआ, इन सब का लय जहां पर होता है, इनके सब के लय हो जाने पर भी वो लय नहीं होता, उसका प्रलय नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, वह क्या है? अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य नानिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्जुन, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, वो है मेरा परम धाम। अब श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद की क्या समानता है, हमने कैसे उन्हीं तीन बातों को, जो कि मांडुक्य उपनिषद में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की चर्चा हो रही है, चतुष्पाद की चर्चा हो रही है, उस चतुष्पाद को श्रीमद् भगवत गीता में कैसे लिखा गया। इसी तरह जब हम भागवत कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, तो उसमें चतुष्पाद का ज्ञान आता है कि चतुष्पाद, श्रीमद् भागवत का चतुष्पाद का ज्ञान क्या है? चतुष्पाद का ज्ञान, चतुष्पाद का ज्ञान क्या है, अर्थात चौथी अवस्था का ज्ञान। वो चौथी अवस्था भी नहीं है, क्योंकि उसी अवस्था में सारी अवस्थाओं का वास है। उस चौथी अवस्था में ही जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों का वास उस चौथी अवस्था में है, इसलिए वो चौथी अवस्था सर्वव्यापी है, वो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, लेकिन अज्ञानता बस उसका भास नहीं है। योगी को, जिज्ञासु को चाहिए कि उसके ज्ञान हेतु प्रयासरत हो, और उस चौथे उस चतुष्पाद, उस तुरिया का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, और जब उसका ज्ञान होता है, योगी अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव करता है। यद्यपि उसी सर्वव्यापकता के कारण संसार में सब कुछ घटित तो हो रहा है, लेकिन
अनभिज्ञ होने के कारण हम उसके ज्ञान का आभास हमें नहीं होता है। आवश्यकता है योग मार्ग को समझने और जानने की। तो वेदांत अद्वैत वेदांत में इस प्रकार से ब्रह्म की चर्चा की गई है, इस प्रकार से व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता की चर्चा की गई है। व्यवहारिक जगत में भगवान को स्वीकार किया गया है, पारमार्थिक जगत में ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। यह बात ध्यान रखिएगा। जब भी हम कहते हैं कि भगवान है, बिल्कुल भगवान है, लेकिन भगवान तो द्वैत में है, अर्थात जागृत में है, क्योंकि द्वैत का सत्ता जागृत में कार्य करती है, अद्वैत पारमार्थिक सत्ता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य का ये जो विषय है अद्वैत का, तो अद्वैत को पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, ना कि व्यवहारिक सत्ता। जागृत अवस्था में व्यवहारिक सत्ता का स्थान है, और सूक्ष्म अवस्था जैसे कि जिसमें हम सुषुप्ति और नृत्य और स्वप्न का बात करते हैं, वो प्रतिभासित है। और इन तीनों के परे जब अनुभव हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने पारमार्थिक सत्ता का अनुभव किया, ब्रह्म की अनुभूति की। वो ब्रह्म की अनुभूति ही ब्रह्म ज्ञान है। तो हमने ब्रह्म की अनुभूति किस प्रकार से हम कर पाए, इस विषय में और भी आगे चर्चाएं होंगी। यद्यपि अभी दर्शन का चर्चा हो रहा है, तो संक्षेप में जो अभी दर्शन बचे हैं, विशिष्टा अद्वैत, उस पर चर्चा करेंगे, द्वैत पर चर्चा करेंगे, फिर न्याय वैशेषिक और सांख्य योग पर चर्चा होगी। तो योग के अंत में योग पर चर्चा करेंगे, और फिर योग के आगे इन सभी विषयों को लेते हुए ब्रह्म का विषय अभी और है, ब्रह्म ज्ञान का विषय भी बाकी है कि मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान क्या नहीं है। क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या नहीं है इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हम स्पष्ट रूप से जान सके कि ब्रह्म ज्ञान की अवस्था क्या होती है। तो इसी के साथ आज अभी विचारों को विराम। वीडियो लंबा हो गया है, अभी बहुत सारे विचार हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं इस समय की ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए, ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन आगे के वीडियो में इसकी एक सीमा को हम निर्धारित करते हुए इसे अभी रोकते हैं। धन्यवाद।